बता दीजिए किन मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम शाह एस एन मौर्य एडवोकेट, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सेवा संस्थान, निकट गल्ला मंडी रायबरेली का जिला महासचिव हूँ। और अयोध्या में जो वर्तमान में जो खुदाई हो रही है, जो समतलीकरण किया जा रहा है, उस समतलीकरण के दौरान प्राचीन कालीन तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष, अशोका पिलर और आहत अवस्था में शिलालेख जो 21/5/2020 को प्राप्त हुए हैं, और जो राम जन्मभूमि का जो परिसर जिसे बताया जा रहा है, वहाँ पर पहले बुद्ध विहार था, इसलिए वहाँ पर प्राचीन अवशेष मिल रहे हैं। हमारे इस सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि उस स्थल को भारतीय पुरातत्व के निगरानी में उसकी खुदाई कराई जाए और उस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान समय समतलीकरण का जो स्थल है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ पर बौद्ध विहार था और बुद्ध धर्म जो है विश्व पटक पर जो है सबसे धर्म है, इसलिए चाहते हैं कि उसको जो है बौद्ध को समर्पित करते हुए उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। क्या मांग है आप लोगों की, किसको ज्ञापन देने आए आप? हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसकी खुदाई जो है पुरातत्व की निगरानी में, और जो इस भारत, ये भारत देश सभी धर्म संप्रदायों का देश है और इसमें सभी धर्म प्रदाय के धर्मगुरु के समक्ष उनकी देख रेख, उनकी निगरानी के में ही उसकी खुदाई कराई जाएगी।